दिल्ली च तेजी नाल वध रहे प्रदूषण नूं वेखदिआं मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीरवार नूं ग्रीन दिल्ली ऐप की शुरुआत की। केजरीवाल का कहना है कि इस ऐप के जरिए हर कोई प्रदूषण पैदा करने वाली गतिविधियां बारे सरकार नूं जानकारी देवेगा। अरविंद केजरीवाल ने अगे कहा कि प्रदूषण नाल लड़न लई सरकार सारिआं नूं इस मुहिम नाल जोड़ना चाहुंदी है क्योंकि जनता की सहायता तो बिना कोई वड्डी तब्दीली नहीं हो सकती। ग्रीन दिल्ली ऐप इस समय एंड्रॉयड से उपलब्ध है जिसनों गूगल प्ले स्टोर तो डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप की मदद नाल जनता किसी भी प्रकार के प्रदूषण बारे शिकायत कर सकती है। इस ऐप के नाल उस शिकायत की स्थिति का पता लगाया जाएगा तो शिकायत संबंधी एजेंसी तक पहुँच करेगी। शिकायत के हल लई समा रेखा निर्धारित की गई है। जो तक शिकायतों का हल नहीं हो जाता ग्रीन रूम से लगातार नज़र रखी जाएगी। दसया जा रहा है कि इसलिए 60 ग्रीन मार्शल नियुक्त किए गए हैं जो ग्रीन दिल्ली ऐप दी शिकायतों पर काम करेंगे। काफ़ी ज़्यादा हो गया है, हम सब लोग पोल्यूशन की वजह से काफ़ी तकलीफ में हैं। पूरी दिल्ली के लोग, दिल्ली सरकार और दिल्ली के लोग अपनी तरफ से पोल्यूशन को कम करने के लिए कई कदम उठा रहे हैं। पिछले 5 साल में भी हम सब लोगों ने मिलकर कई कदम उठाए जिसकी वजह से दिल्ली में पोल्यूशन कम भी हुआ 25%। इस साल भी दिल्ली सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट्स जितने हैं दिल्ली में जिनकी वजह से पोल्यूशन होता था सब बंद कर दिए गए हैं। 95% जो दिल्ली में इंडस्ट्रीज़ हैं वो जो फ्यूल का इस्तेमाल करती थी वो पोल्यूशन किया करता था, तो 95% इंडस्ट्रीज़ में फ्यूल चेंज कर दिया गया है और अब वो नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल इस्तेमाल करती हैं। इस साल हमने पराली को, दिल्ली ने एक उदाहरण पेश किया है, पराली को डिकम्पोज करके उसको खाद बना दिया है एक केमिकल का छिड़काव करके, बायो डिकम्पोजर का। उसके अभी तक के नतीजे बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन फिर भी अभी थोड़े दिन और इंतज़ार करके सारे नतीजों को मैं आपके सामने रखूँगा और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो शायद पराली से जो धुआं उठता है उससे अगले साल तक फिर इसका समाधान निकल आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी सरकारें भी इसको फॉलो करेंगी। इस बार दिल्ली में, पूरी दिल्ली के सारे खेतों में हमने छिड़काव करवाया है, उसके अभी तक के नतीजे अच्छे आए हैं। हमने ईवी पॉलिसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की है जो कि पूरी दुनिया की सबसे प्रोग्रेसिव पॉलिसी है। ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी लॉन्च की है। आज हम ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च कर रहे हैं। हमारा मकसद है कि दिल्ली के एक एक नागरिक को प्रदूषण के खिलाफ, हमारा जो ये अभियान है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, इस अभियान के तहत हर नागरिक को इसमें शामिल किया जाए। सरकार जितनी मर्जी कोशिशें कर ले, लेकिन कोई भी बड़ा बदलाव तब तक नहीं आ सकता जब तक कि उसके साथ जनता ना जुड़े। तो आज हम ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च कर रहे हैं। इस ऐप को आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी ये केवल एंड्रॉयड पे है, हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी थोड़े दिन में आ जाए। इसमें आप किसी भी तरह की पोल्यूशन की कंप्लेन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कहीं जा रहे हैं, आपने देखा कि कहीं कूड़ा जल रहा है, आप वहीं पे उसकी फ़ोटो खींच के उसको अपलोड कर दीजिए, उसकी वीडियो बना के उसको अपलोड कर दीजिए और उसकी कंप्लेन कर दीजिए इस ऐप के ज़रिए। आप देख रहे हैं कहीं इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो रहा है, कहीं कोई व्हीकल है वो व्हीकल बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर रहा है, कहीं किसी और वजह से डस्ट, कंस्ट्रक्शन का डस्ट निकल रहा है, कहीं भी किसी भी तरह का आप अगर पोल्यूशन देख रहे हैं तो आप इस ऐप के ज़रिए कंप्लेन कर सकते हैं। आप इसमें वीडियो अपलोड कर सकते हैं, ऑडियो अपलोड कर सकते हैं, फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं और जब आप अपलोड करोगे तो आपकी लोकेशन जहां से आप अपलोड कर रहे हो वो ऑटोमेटिक लोकेशन आ जाएगी ताकि हमें पता चल सके कि एग्जैक्टली कहां पे वो धुआं फैल रहा है और आपकी कंप्लेंट ऑटोमेटिकली उस विभाग के पास पहुँच जाएगी जिस विभाग को उस पर कार्रवाई करनी है। उस विभाग को उस कंप्लेंट के ऊपर टाइम बाउंड तरीके से कार्रवाई करनी होगी। हर किस्म की कंप्लेंट की हमने टाइमलाइन लिखी है, ये इतने घंटे में सॉल्व होनी चाहिए, ये इतने घंटे में सॉल्व होनी चाहिए, इतने दिन में सॉल्व होनी चाहिए, हर कंप्लेंट की हमने टाइमलाइन लिखी है, तो उस विभाग को वो कंप्लेंट उतने दिन में सॉल्व करनी होगी। वो विभाग जब कंप्लेंट सॉल्व कर देगा तो विभाग उसमें कंप्लेंट में डालेगा अपनी, विभाग भी फोटो खींच के डालेगा दिखाने के लिए कि हमने कंप्लेंट सॉल्व कर दी है।
लेकिन फिर भी अगर नागरिक सेटिस्फाइड नहीं है कंप्लेन के सॉल्व होने से, तो वो नागरिक उस कंप्लेन को रीओपन कर सकता है और कह सकता है कि मैं इस कंप्लेन में के सॉल्व होने से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। कंप्लेंस को सॉल्व करने के कौन सी कंप्लेंट आई, कितनी सॉल्व हुई, इसकी सारी मॉनिटरिंग हमारा जो ग्रीन वॉर रूम हमने बनाया है सेक्रेटेरिएट में, वो 24/7 काम करता है। वहाँ से एक 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 कंप्लेंट की मॉनिटरिंग की जाएगी कि कंप्लेंट्स सॉल्व हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। और 70 ग्रीन मार्शल्स नियुक्त किए गए हैं, वो भी इन सभी कंप्लेंट्स को, जो कंप्लेंट्स ग्रीन डेली ऐप में आया करेंगी, इन सभी कंप्लेंट्स को सॉल्व करने में मदद करेंगे। मैं समझ सकता हूँ कि शुरू शुरू में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, जो भी दिक्कतें आएँ आप हमें ज़रूर बताइएगा उनको इस ऐप में, जो भी दिक्कतें आएँ हम इनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। और इस ऐप के ज़रिए हमारी कोशिश है सबको एक साथ लाया जाए, सभी विभागों को, चाहे वो MCD हो, चाहे DDO हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, सभी विभागों को एक साथ लाके और एक साथ, और नागरिकों को एक साथ प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध छेड़ा जाए।